दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत से ब्रिज देखे होंगे, लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए ऐसे कमाल के ब्रिज भी हैं जिन्हें देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इन्हें बनाया कैसे गया होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही दुनिया के सबसे बेहतरीन और यूनिक ब्रिजेस के बारे में बताऊंगा जिनको शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। गेट्स हेड मिलेनियम ब्रिज। दोस्तों, इंग्लैंड में बना यह ब्रिज अपने यूनिक डिजाइन की वजह से पूरी दुनिया में चर्चित है और यह दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज है जो कि इस तरह से घूमकर काम करता है। और दोस्तों, इस ब्रिज को द ब्लिंकिंग आई ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्घाटन 7 मई 2002 को क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड द्वारा किया गया था। इस ब्रिज के अनोखे डिजाइन की वजह से इसको बेस्ट डिजाइन का अवार्ड भी मिल चुका है। इस ब्रिज को टाइन नदी के ऊपर बनाया गया है जहां से अक्सर छोटे बड़े शिप गुजरते हैं, और जब भी यहां से कोई बड़ा शिप क्रॉस होता है तो इस ब्रिज को मोटर की मदद से 40 डिग्री तक ऊपर की ओर टेढ़ा कर दिया जाता है ताकि बड़े शिप आसानी से निकल जाएं। वैसे ये ब्रिज बहुत ही शानदार और अनोखा है। आपका क्या कहना है कमेंट में बताएं। रोलिंग ब्रिज। ये ब्रिज है तो छोटा सा, लेकिन इसको बनाने में कमाल की सोच और कमाल की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है जिसकी तुलना आप किसी भी ब्रिज से नहीं कर सकते। लंदन की एक बिल्डिंग के नीचे बना यह अद्भुत और मॉडर्न ब्रिज इंजीनियरिंग का सबसे अनोखा और सबसे शानदार रूप है। 2004 में बना यह रोलिंग ब्रिज पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें लगे हाइड्रोलिक की मदद से यह आसानी से फोल्ड हो जाता है और फोल्ड होकर गोल भी हो जाता है। इस बिल्डिंग के नीचे नहर होने की वजह से यहाँ पर बोटों का आना जाना लगा रहता है, जिसके कारण यहाँ एक फिक्स ब्रिज बनाना असंभव था। इसीलिए यहाँ पर इस तरह के फोल्डिंग ब्रिज को बनाया गया। इसको रोल होता हुआ देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई बिच्छू डंक हिला रहा हो। स्लॉरहॉफ ब्रिज। इस ब्रिज को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम फ्यूचर वर्ल्ड में जी रहे हों और ये ब्रिज किसी रोबोट की तरह काम कर रहे हों, पर ये प्रेजेंट में ही मौजूद है। जी हाँ, रोबोट की तरह दिखने वाला ये ब्रिज नीदरलैंड में दो सड़कों को आपस में जोड़ने का काम करता है। आप देख सकते हैं कि पानी से गुजरने वाले शिप और बोट्स को गुजरने देने के लिए इस ब्रिज को किस तरह से उठा दिया जाता है। यहाँ की नहरों में अधिकतर बोट्स और शिप्स के आने जाने की वजह से ब्रिज बनाना काफी मुश्किल था, लेकिन इंजीनियर्स ने ऐसा दिमाग लगाया कि उन्होंने कम लागत में ही एक अच्छा खासा ब्रिज खड़ा कर दिया जिसके ऊपर से गाड़ियों का आना जाना आसान हो गया। ये ब्रिज बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। इसके पीछे लगा हुआ रोलर बोट के आने पर फ्लैट को उठा देता है, जिसकी वजह से यहाँ से आसानी से बोट निकल जाती है। ये ब्रिज आर्किटेक्ट की दुनिया का नायाब नमूना है और इसकी इसी खासियत की वजह से इसे ट्रांसफॉर्मर ब्रिज भी कहा जाता है। पॉन्ट जैक्स चेबन ब्रिज। फ्रांस में गेरोन नदी के ऊपर बना यह ब्रिज दुनिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है जो अपनी हाइट से वर्टिकल ही ऊपर चला जाता है। इस ब्रिज को मार्च 2013 में वहां के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया था और इसे सन 2014 में आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। इस नदी से लगातार बड़े शिप और क्रूज के आने जाने की वजह से यहाँ ब्रिज बनाने में काफी समस्या हो रही थी, क्योंकि गाड़ियों और लोगों को नदी पार करने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए इंजीनियर्स ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस ब्रिज को इस तरीके से डिजाइन किया जो कि बहुत ही अनोखा है। इस ब्रिज पर 4 लेन का हाईवे है और ये ब्रिज 110 मीटर लंबा है और ये ब्रिज मिनटों में ही 50 मीटर तक ऊपर चला जाता है और करीब साल में 150 बार ऐसे ऊपर नीचे होता है ताकि बड़े शिप आसानी से यहाँ से पार हो सकें। फॉलकिर्क व्हील। ये दुनिया की पहली ऐसी लिफ्ट है जिसको इंसानों के लिए नहीं बल्कि बोट्स के लिए बनाया गया है। ये बेहद ही यूनिक और अद्भुत ब्रिज है। इस ब्रिज को रोटेटिंग एलिवेटर फॉर बोट्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस ब्रिज की मदद से बोट को एक नहर से दूसरी नहर में ले जाया जाता है। होता यह है कि व्हील नीचे की बोट को उठाकर
24 मीटर तक ऊपर ले आता है, जहां से वो बोट दूसरे वाटरवे में चली जाती है। इसमें लगे व्हील किसी भी बोट को उठाकर 5 मिनट में एक नहर से दूसरी नहर में शिफ्ट कर देते हैं। इसे साइंस का बेहतरीन एग्जाम्पल कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, इसे दुनिया का सबसे बड़ा वाटर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब तो यह एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है, जिसे देखने हर साल यहाँ लाखों लोग आते हैं। फ्लाइंग फेरी। दोस्तों, ये ब्रिज सबसे अनोखा है और इसे नाव और ब्रिज का हाइब्रिड कॉम्बो भी कह सकते हैं। दरअसल इसे स्पेन की दो सिटी को जोड़ने के लिए बनाया गया और बनाते वक्त सरकार ने इंजीनियर्स के सामने एक शर्त रखी कि नदी में चलने वाले बोट्स और उस पर जाने वाले लोगों को कोई तकलीफ ना हो और इंतजार भी ना करना पड़े। इसीलिए आर्किटेक्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए इस ब्रिज को इस तरीके से डिजाइन किया। यह ब्रिज एक साथ में 6 कार और कई दर्जन लोगों को एक साथ इधर से उधर ले जा सकता है। स्केललेन ब्रिज। स्केललेन ब्रिज दुनिया का सबसे अनोखा ब्रिज है, क्योंकि ये कोमा के आकार में बनाया गया है। इस ब्रिज को कोमा के आकार में क्यों बनाया गया शायद ही कोई समझ पाएगा, पर ये दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज है जो ऊपर या नीचे नहीं बल्कि साइड होकर बोट्स के आने जाने के लिए जगह बनाता है। ये बहुत ही एडवांस और फ्यूचरिस्टिक ब्रिज है। यहाँ पर खड़े होकर आप आराम से बोट को यहाँ से जाते हुए देख सकते हैं। इस मॉडर्न और अमेजिंग ब्रिज को बनाने में $9 मिलियन खर्च हुए थे। इसे कंक्रीट और स्टील से ही बनाया गया है और इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 57 मीटर है और एक बार में 1000 लोगों को इधर से उधर ले जा सकता है। ओरेशन ब्रिज। ये ब्रिज इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे बेहतरीन ब्रिजेस में से एक है। इसका अंडरग्राउंड टनल पूरी दुनिया में मशहूर है। इस ब्रिज को डेनिस इंजीनियरिंग फर्म COWI ने डिजाइन किया था। ये ब्रिज करीब 8 किलोमीटर लंबा है, जिसमें करीब 4 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल है और इस ब्रिज को सन 2002 में IABSE द्वारा आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर का अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, इस ब्रिज को स्वीडिश और डेनिश गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया है, जिसे बनाने में कुल 2.6 बिलियन यूरो का खर्च आया था। ये ब्रिज एक आर्टिफिशियल आइलैंड से होते हुए अंडरवाटर टनल में जाता है और फिर 4 किलोमीटर के बाद बाहर की ओर निकलता है, जो कि देखने में ऐसा लगता है जैसे ये ब्रिज समुद्र में जाकर कहीं गायब हो गया हो। और इसका अंडरग्राउंड टनल आधुनिक तकनीक का एक नायाब नमूना है, जो कि बहुत ही शानदार लगता है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा ब्रिज सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।